आज हमारे साथ मौजूद है पेशेंट, ये हमारे पिछले 8 दिनों से हमारे हॉस्पिटल में, जानते हैं क्या समस्या थी और कैसे एक बार आम हुआ है। क्या नाम है आपका? मनीष दलाल। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। क्या दिक्कत थी जब आए थे आप? लाइफोमा का था, हाई बीपी था और जोड़ों में दर्द। ठीक है। तो अभी बीपी ठीक चल रहा है आपका? बिल्कुल फिट। कितना रहता था बीपी आपका? 165 ऊपर वाला रहता था, नीचे वाला 100 के आसपास रहता था। 170 भी हो जाता था, 75 भी हो जाता था। ठीक है जी। अभी 140 बिलो है। ठीक है जी। और नीचे वाला 80-90 है। ठीक है, अब कंट्रोल चल रहा है बीपी? बिल्कुल। दवाई की जरूरत तो नहीं पड़ रही? नहीं, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बिना दवाई के बीपी इनका कंट्रोल हो चुका है और लगभग 8 दिनों से हमारे यहाँ पे है। हम बीपी की दवाई देके उसको दबाते नहीं है, बीपी को जड़ से कंट्रोल करते हैं। आज इनका बीपी जो है वो बिना दवाई के बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है। और जोड़ों में कहाँ दर्द था आपको? मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा था, कमर में था, कंधों में, कोणियों में था। ठीक है, जिसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है, जो थेरेपी वगैरह दे रहे हैं बहुत अच्छे से दे रहे हैं। अच्छे से ट्रीटमेंट? हाँ। ठीक है जी। ठीक है, उससे काफी आराम है, अभी नहीं है कुछ। अच्छा, चढ़ने में दिक्कत होती थी? बिल्कुल नहीं है, कोई भी दिक्कत है। जैसे एडी में दर्द रहता था, घुटने में और टखने में भी रहता था, लेकिन अभी नहीं है। नहीं है, ठीक है जी। आराम से मैं वॉक भी कर लेता हूँ, सब कुछ कर। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, बीमारी को दबाया जाता है एक पैथी में, लेकिन हमारे यहाँ पे उसका जड़ से इलाज किया जाता है। घुटनों के दर्द का, बीपी का, जिसको कहा जाता है बीपी की गोली सारी उम्र चलेगी, वो कैसे बिना दवाइयों के बीपी कंट्रोल किया जा सकता है, आज वो पेशेंट हमारे साथ हैं। बीपी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट, आगे भी आपका कंट्रोल रहेगा, खाने पीने का डाइट वगैरह फॉलो करना, बीपी आपका कंट्रोल चलेगा। ठीक है, कोई मैसेज देना चाहे बीपी के मरीजों को या किडनी के मरीजों को? आप आए इधर, इलाज कराएं। आयुर्वेद में जो इलाज है वो एलोपैथिक में नहीं है। जितना इधर यहाँ जड़ से खत्म होती है, उधर जड़ से खत्म नहीं होती है। उधर 2 दिन के लिए बस कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में उभर के आ जाती है। इसलिए मैं एलोपैथी से आयुर्वेद में आया। थैंक यू।